नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार राय बिहारी न्यूज से अपनी रिपोर्ट के साथ। 2012 में 8 मिलियन, 2018 में 12 मिलियन, 2022 में 15 मिलियन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बिहार प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या है। एक समय आएगा जब हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर, हर जिला लोगों से खचाखच भर जाएगा। फिर प्रवास दर बढ़ेंगे, गरीबी बढ़ेगी, रोजगार के लिए कहीं बाहर जाना पड़े शायद। मलिन बस्तियों में रोते बिलखते बच्चे, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होगा। पर ये सब तो हो रहा है। अपनी आसपास की सड़कें देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, बाजार देखिए। अभी इस वक्त प्रदेश में कुल 45 लाख बेघर हैं, जो इस बरसात में बिना छत के रहने को मजबूर हैं। 11 जुलाई को जब पूरा विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन कर रहा था, तब एक अलार्म बिहार के लिए भी बजा। यूएन, यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक रिपोर्ट की माने तो 2018 तक बिहार की जनसंख्या ने विश्व के 220 देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि यूएन के अनुसार सिर्फ 193 देश हैं, तो ये बाकी कहां से आए? कुछ देश जिन्हें यूएन मान्यता नहीं देता, एवं कुछ आश्रित देश जिनकी जनसंख्या अलग से गिनी जाती है। ये हैं वो देश। बिहार की जनसंख्या 2018 तक 12 करोड़ थी, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से इजाफा हुआ है। ये 24% बढ़ोतरी सामाजिक वैज्ञानिकों की माने तो शिक्षा के अभाव के कारण है, एवं इसके अगले कुछ वर्षों में प्रवास दरों में और तेजी आएगी। शिक्षा दर को देखें तो 74% के साथ बिहार सबसे नीचे आता है, एवं केरला 93% के साथ सबसे ऊपर है। बिहार को भविष्य में शिक्षा पर बहुत काम करना है, यह स्पष्ट है, पर जनसंख्या वृद्धि की यह दिक्कत किसी भी भविष्य का इंतजार नहीं करेगी। एक गौर करने की बात है कि बिहार सरकार ने अपने पिछले बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को ही दी है। हर स्टेट, हर स्टैट, हर फैक्ट, हर मापदंड जिसमें बिहार को नीचे से देखा जाता है, वो जनसंख्या वृद्धि से जुड़े हुए हैं। पर कैपिटा इनकम में आखिरी नंबर, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी आखिरी नंबर, और ऐसे कई सूचियां हैं। बिहार बढ़ रहा है, हम मानते हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने होते हुए भी लुका छुपी के इस खेल में हमसे आगे है। टू चाइल्ड पॉलिसी एक बहुत बढ़िया निवारण है। राजनीति को धर्म जाति से उठकर अब मनुष्यता के मुद्दों के बारे में सोचने की जरूरत है। तो एक बिहारी होने के तौर पर यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे नेताओं को चुनें जो भविष्य के बारे में सोचता हो, जो प्रदेश की उन्नति चाहता हो, जो ये वादा करे कि अपना सबसे ज्यादा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाएंगे। क्योंकि जैसा कि हमने कहा, भविष्य किसी का इंतजार नहीं करता। जनसंख्या वृद्धि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसका कोई निवारण ना हो। यूएन ने मुहिम चला रखा है जिसका असर और परिणाम कुछ देशों में साफ तौर पर दिखता है। उदाहरण के लिए थाईलैंड, जिसका प्रजनन दर पिछले दो पीढ़ियों में 75% से गिरा है। परिवार नियोजन के तरीकों से भी इस दिक्कत का सामना सफलतापूर्वक किया जा सकता है। थोड़ी जागरूकता और थोड़ी जानकारी से जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। उदाहरण बहुत हैं, अब बस इस कार्य को करने वाला कोई चाहिए। सरकार के साथ आप भी जागरूक रहिए, नहीं तो जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए, क्योंकि एक समय आएगा जब शायद हमारे पास समय ना हो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।